वही महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग के मामले में आरोपी कांस्टेबल चेतन ने सर्विस पिस्टल से फायरिंग की, जानकारी मिल रही है। फायरिंग में एक एएसआई समेत चार लोगों की मौत हो गई। तो इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। एक एएसआई समेत चार लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग कर चेतन ने दहिसर स्टेशन के पास से भागने की कोशिश भी की। आरोपी कांस्टेबल दहिसर के पास चेन खींचकर नीचे उतर गया था, यह जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार आरोपी कांस्टेबल से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है। आरोपी चेतन का गुजरात से मुंबई ट्रांसफर हुआ था। सूत्र, ट्रांसफर की वजह से तनाव में था आरोपी कांस्टेबल। आरोपी चेतन का परिवार गुजरात में ही रहता है। आरोपी कांस्टेबल चेतन की दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेशी है। अंधेरी कोर्ट में आरोपी कांस्टेबल की पेशी होनी है। तो चलती ट्रेन में फायरिंग के इस मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। कांस्टेबल की गोली से एसआई टीकाराम मीणा की मौत हो गई है। आरोपी चेतन व मृतक एसआई टीकाराम में बहस हुई थी। बहस के बाद चेतन सिंह ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एएसआई टीकाराम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के श्यामपुरा निवासी बताए गए हैं। टीकाराम मीणा आरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे। बाकी 3 पैसेंजर्स की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि एएसआई टीकाराम के अलावा 3 अन्य यात्रियों की भी मौत हो गई है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए इनका रुख करेंगे। जियाउद्दीन, जैसा कि अपडेट मिल रहा है कि ट्रांसफर की वजह से तनाव में था और एएसआई टीकाराम जिसकी मौत हो गई है इस फायरिंग में, उनके दोनों के बीच में बहस हुई थी, तो वो बहस क्या हुई थी अभी तक तो कुछ सामने आ पाया है पूछताछ में? देखिएगा, ये बात तो साफ हो गई है कि चेतन जो था आरोपी है जिसने फायरिंग की है, तो वो अपने ट्रांसफर की वजह से और किसी सर्विस और अन्य वजह से लेकर वो थोड़ा अवसाद के अंदर था, डिप्रेशन के अंदर था, ऐसे उसके साथी जो कांस्टेबल थे उनकी तरफ से बताया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो ट्रेन का जयपुर मुंबई सुपरफास्ट जो एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग जो हुई आज, उसकी घटना, उसकी वजह जो बनी एएसआई जो टीकाराम मृतक है उनसे और चेतन के बीच के अंदर पहले काफी लंबे समय तक गुट की कहासुनी होती रही थी, द्वेष होती रही किसी बात को लेकर। हालांकि वो बात सामने नहीं आ पाई कि दहेज की वजह क्या बनी, और उससे इतना खफा हो गया कि चेतन ने उसने अपनी जो रिवॉल्वर थी सेमी ऑटोमेटिक जो गन थी उसको निकाला और इसके बाद एक अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके अंदर सबसे पहले एएसआई जो टीकाराम थे उनके गोली मारी, वो जब मर गए तो दूसरे बोगी के अंदर पहुंचा, वहां जो 3 पैसेंजर मौजूद थे उनके ऊपर भी फायरिंग कर दी। क्योंकि फायरिंग की घटना के बाद वो फरार होने लगा, तो उसको मौके के कुछ दूर बाद ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सबसे अहम बात ये है कि जो एएसआई टीकाराम है वो सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, सवाई माधोपुर में श्यामपुरा है वहां का रहने वाले एएसआई टीकाराम बताए जा रहे हैं। लेकिन जो 3 पैसेंजर हैं उनको लेकर अब तक रेलवे की ओर से किसी तरह से कोई खुलासा नहीं किया गया। आखिर वो 3 पैसेंजर कौन थे, उनके नाम क्या क्या हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ देर बाद इसकी भी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इन सब से भी सबसे अहम बात ये है कि जो चेतन है उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस हत्या करने का, इस फायरिंग करने का और 4 लोगों की हत्या करने के पीछे उसका मकसद क्या था, क्या वाकई में ही वो डिप्रेशन में था अपने ट्रांसफर की वजह से या फिर कुछ और कारण था जिसकी वजह से ये हत्या की गई। क्योंकि चेतन और टीकाराम के बहस की बात तो सामने आ गई, लेकिन 3 लोगों की हत्या करने के पीछे क्या वजह थी, इस बात की जांच पुलिस मुंबई पुलिस भी कर रही है। जी बिल्कुल, अगर तनाव मुख्य कारण है तो ये और भी ज्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि तनाव ऐसी चीज है जो कि ना तो खुद की जान लेता है बल्कि दूसरों की जान भी अब लेने लगा है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इसके अलावा कोई और जानकारी, क्योंकि 3 बजे कोर्ट में पेशी होनी है, इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जो अन्य यात्री हैं उनकी डिटेल नहीं मिल पाई है, तो कब तक ये संभव हो पाएगा? क्योंकि परिजनों को भी सूचित करना होगा, जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके परिजन जो है वो डरे सहमे हुए होंगे क्योंकि उनके पास अभी डिटेल नहीं पहुंची है। देखिए, चूंकि जैसे ही ये बात सामने आई कि जयपुर मुंबई सुपरफास्ट जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसके अंदर फायरिंग की घटना हुई, तो उसमें लाजमी जो जो सफर कर रहे थे सब, उनके जितने भी परिजन थे यात्रियों के, वो सब डर से गए थे, सहम से गए थे। आखिर क्या कोई उनके परिजन के साथ या उनके परिवार के सदस्य क्या अनहोनी घटना नहीं हो गई? और इसके बाद एक लगातार जो चेतन रेलवे का जो रेलवे सेवा है उसके ऊपर लगातार मैसेज है सोशल मीडिया के जरिए या फिर कॉल करके जानकारी ली जा रही है। फिलहाल इन सब के बीच जो बात सामने आई, 1 घंटे के भीतर मतलब 11:30 बजे तक उन 3 के नाम भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और फिलहाल जो 3 बजे कोर्ट के अंदर पेश किया जाए
जाएगा कोर्ट में, जो आरोपी चेतन को पेश करने के बाद रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड मांगने के बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसने ही हत्या किस वजह से की। फिलहाल जो बात सामने आई है वही वजह है या कोई और अन्य वजह है, और वो हत्या करके कहाँ जाने वाला था और क्या पूरी बात थी। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग एंगल हैं जिसकी तफ्तीश की जाना, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी, एक नॉर्म्स के अनुसार उसको पेश किया जाना है कोर्ट से पेशी रिमांड मिलने के बाद। ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने भागने की भी कोशिश की, खुद को बचाने का प्रयास किया। हाँ देखिएगा, ये सबसे पहले उसने जो चेतन ने टीकाराम के ऊपर फायरिंग की, गोली मारने के बाद चेतनराम गिर गए, तो दूसरी बोगी के अंदर गए निकल के, वहां पर तीन जो पैसेंजर थे उनको गोली मारी। संभवतः तीनों पैसेंजर सामने आ गए होंगे या और कोई वजह होगी, या रोकने का बीच बचाव करने का प्रयास किया होगा उस वक्त, हो सकता है। इस बीच में वो डर चुका था, वहां से मौके से फरार हो गया था, लेकिन जो फायरिंग की जो आवाज आई तो उस वक्त ही वो जो वहां पे मौजूद जो जवान थे उन्होंने उसका पीछा किया। टीकाराम को काफी दूर जाने के बाद उसको धर दबोचने के बाद उसको ले जो आरपीएफ का जो वहां पे जो स्टेशन था वहां लेके गए, पूछताछ की गई। मुंबई जो पुलिस है वो भी मौके के ऊपर पहुंची, आरपीएफ के जो डीसीपी हैं अंतरी के वो भी वहां पे पहुंचे, तमाम पुलिस के और आरपीएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामला आरपीएफ से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सबसे पहले इसके अंदर आरपीएफ मामले की जांच करेगी, तह तक जाएगी। अगर किसी तरह से और कोई सबूत जुटाना होगा तो उसमें स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी, और इसी बात को लेकर उनको अंधेरी कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा करीब 3 बजे। संभवतः ये बात सामने आ सकती है, 3 से 4 दिन का रिमांड भी वहां से लिया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया सियाउद्दीन इस जानकारी के लिए।